وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. <متذيكت> <عكدا> كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानिश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत हासिल करें अदमदाला सामीन और नाजरिन कराम असल वरम वक्त कराम सूर्य नंबर सात दर्श नंबर नौ सौ छियानवे आज का मौजू क्या हमारा दिमाग दुनिया की मोहब्बत में पागल है आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्ता सबक का एादा होगा पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से بسم الله الرحمن الرحيم الله جو بڑا مہربان رحم والا. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات. और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई के जल्द खासगार यानी तालिब अजाब हैं हालांकि उनसे पहले अजाब वाक़ हो चुके हैं और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बे इनसाफियों के मुआफ करने वाला है और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है सबन क्राम सूर आयत नंबर सात वक़ूल लजीना कफरू कहते हैं ना शिक्रे लोग लो ला उन आय तुम रब क्यों नाजिल ना हुई इस पर निशानी कोई इसके रब की तरफ से इनमा अंतम तरन आप तो महज इनको खबरदार करने वाले हैं वलिकल कौमिन हाद और हर कौम के लिए एक रहनुमा है बहुत अहम मजमून है सामान कराम और हमारे लिए है असल में हम लोग जो आज के मुसलमान हैं, जो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है जो हकी मोमिन नहीं है और न ये हकी मोमिन के मतलब से वाकिफ़ है और न बनना चाहता है ये सारी बातें और यहाँ काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं मैंने उसका तर्जुमा नाशुरा किया है देखें हर ज़माने में हर काफ़िर नाशुक्र होता है नाशक् का मतलब यह है कि आप ज़िंदगी को जाया कर दें अल्लाह ताला की नमत अल्लाह ताला की दी हुई नमतों को तबाह वर्बाद कर दें ये ज़िंदगी ये वक्त सामने कहा मैं आपसे मुखातब हूँ अपने आप से मुखातब हूँ ये ज़िंदगी ये वक्त ये नमतें जिसमें इस वक्त हम सांसें ले रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए नहीं है कि आप दुनिया की एक अच्छी ज़िंदगी बाहिर अच्छी ज़िंदगी गुजार के चले जाएं, बल्कि ये इसलिए हैं कि आप आखिरत के दिन की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये मौक़ा दिया है दरअसल ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हम सब के लिए है खल क़ल माओ तबल हयातल अबलकुम अयुम अमला अल्लाह फरमाता है कि मैंने देखो ये ज़िंदगी जो है इसको मैंने पैदा तो किया है लेकिन मकसद इसका क्या है मकसद इसका इम्तहान है कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है सूर्य कहाप में अल्लाह ताला फरमाता है कि किन्ना जालना मा अल अर्द जीन तबलो कुम अहसन अमला ये जो कुछ इस रुए जमीन पर है ये इसकी जीनत है इसको तो हमने अपनी जीनत बनाया लेकिन ये अल्लाह ताला कह रहा है कि ये इसकी जीनत है लेकिन इसमें एक इम्तिहान पोशीदा है ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है अफसोस ये है कि हमने वो पहला सबक जो है वह भुला दिया है इम्तिहान वाला आज देख लें आप मुझे सीने पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि हाँ मैं इस ज़िंदगी को एक इम्तहान समझता हूँ या समझती हूँ और मैं ज़िंदगी आखिरत की कामयाबी के लिए गुजार रहा हूँ या रही हूँ यह मोनस का सीधा मैं बाज़ अव लगा देता हूँ क्योंकि हम बहुत कम मतवे होते हैं मजमून की तरफ तो अच्छा अब यह है ना कि इस आयत जो हमने पढ़ी है इसमें एक मसला है जो कि हर पैगंबर के साथ रहा है और इंसानियत के हर दौर में यही मसला रहा है कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिदायत आती है माया अतीहिम मिन ज़िक्र इल्ला रबिम अन्हा मदीन हु कम कॉलेसी आयत है कुरान में कि नहीं आती इन पर कोई भी नसीहत लेकिन ये इससे पहलू तय करते ये इंसानियत का मसला रहा है सामने कराम और उसकी वजूहत हैं, ये नहीं कि बस हमारी नेचर में ये चीज़ शामिल है नेचर में नहीं है नेचर तो हमारी पाक साफ़ है और अल्लाह ताल की तरफ रुजू करने वाली है लेकिन दुनिया में आके जो जाहरी हमारी नज़र पे जो जाहरी पर्दे पड़े हुए हैं इस पे हम गौर व फिक्र नहीं करते सोचो विचार नहीं करते और ज़िंदगी बिना किसी सोचे समझे गुजारते रहते हैं जो कुछ हमें नज़र आता है वही हमें पसंद आ जाता है और जो पसंद आ जाता है उसी को हम मंजिल और मुराद बना लेते हैं आज देख लें आप आज सब लोग दुनिया के मुरीद हैं अल्लाह का मुरीद यानी अल्लाह का चाहने वाला कोई नहीं और ये गिला तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फ़रमाया है वह कलील उमिन इबाद शकूक मेरे बंदों से शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं हम भी उनमें शामिल हैं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कुरान को अपने लिए समझें ठीक है ये कुरान आज से साढ़े चौदह सौ साल पहले नाजिल हुआ था लेकिन यह इंसान के लिए था और यह रहती दुनिया तक के लिए है इसकी हर आयत आज के लिए हमारे लिए है मेरे लिए है अब इस आयत में मज़मून क्या है इस आयत में मजमून ये है कि जब हिदायत देने वाला हिदायत पहुंचाने वाला हिदायत पहुंचाता है इंसान तक तो लोग एक तो लोग हिदायत के तालिब नहीं होते जैसे कि अंधे को तो आंखें चाहिए किसी भी अंधे से आप पूछें क्या तुम्हें आंखों की रोशनी चाहिए तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपको ये कहेगा कि मुझे अंधा रहना पसंद है नहीं कहेगा ये वो कहेगा मुझे अगर आंखें मिल जाएं तो बस मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारा ममनून रहूँगा बिलफरस्त मैंने मिसाल क़ायम की है अगर एक अंधा है उसका इलाज नहीं हो रहा और उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारे आँखों की और वो जवान है और बीनाई नहीं है उसको अगर कोई ऑफर करे अब देखें उसके पास जो दौलत होगी उसका बेशतर हिस्सा वो बीनाई हासिल करने में लगा देगा या उसे अगर एक टाइम दे दे मिसाल के तौर पे बीस साल का है वो पच्चीस साल का है और कहता है कोई इसे कहे कि भाई पाँच साल के अंदर तुम मेरे प्रोग्राम पर अमल करो तो तुम्हारी बीनाई तुम्हें वापस मिल जाएगी तो अगर इसने उस की बात पर यकीन कर लिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें सच्चा समझता हूँ और पाँच साल तक मैं इंतज़ार करूँगा और मेहनत करूँगा तुम्हारे तरीक़े के मुताबिक अमल करूँगा तो बेशक मैं पाँच साल सफ़र करूँगा और ख़ूब मेहनत करूँगा ख़ूब कोशिश करूँगा तुम्हारे प्रोग्राम पर बिल्कुल इसी तरह सामने क्राम हम अंधे लोग हैं इंसान जब आता है तो वो अंधा होता है इसको बीनाई की ज़रूरत होती है इसको रोशनी हासिल करने की ज़रूरत होती है लेकिन अफसोस यह है बहुत अफसोस से यह कहना पड़ता है कि हम अपने आप को अंधा नहीं समझते हम अपने आप को बीना समझते पैगंबर क्या है वो तो खुद रोशनी वाला है आंखों वाला है और वो हमें हमें बीनाई देने का प्रोग्राम लेके आता है कि हम बीना हो जाए तो अब अफसोस ये है कि वो एक आ, मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है यानी वो मिसाल जो मैंने कायम की ना कि अंधे को अगर आप कहें कि भाई पाँच साल का प्रोग्राम है तो बजाय इसके कि वो प्रोग्राम को कबूल कर ले और उसकी बात पे यकीन कर ले लेकिन वो उससे मुतालबा करता है कि तुम मुझे कोई निशानी बताओ कि तुम कैसे डॉक्टर हो कहाँ से तुमने डिग्री ली है मुझे डिग्री दिखाओ फ्रेम शुदा हालत में दिखाओ या किसी को मेरे सामने तुम आ, बीना करो मिसाल के तौर पर उस करो अजीब व ग़रीब क़स्म के मुतालबात वो इसके सामने रख देता है भई रोशनी तुम्हारी ज़रूरत है तुम रोशनी को कबूल कर लो एक आदमी तुम्हें रोशनी दे रहा है बीना दे रहा है तो उसके प्रोग्राम को ले लो तुम जबकि मिसालें गुजर चुकी हैं वत ख़लत मन कबल है मुसलात, मिसालें गुज़र चुकी हैं कि बहुत सी ऐसी कौम थी जिनके पार जिनके पास पैगंबर आए हक़ की दावत दावत लेके और कौम को बीनाई देने के लिए उन्होंने उनको झूठा समझा और उसको झुटला दिया फिर यह है कि वो उसका आज़ाब उस पर मुसलत हो गया ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं फिर उनकी लाश पड़ी हुई है अभी तक YouTube पे जाके देख लें लिख के देख लें ले। तो बात यह है कि देखें अंधे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें बीनाई की ज़रूरत है क़ुरान और हदीस ये रोशनी का मम्बा है ये रोशनी का सरचश्मा है ये नूर है इसको हम अगर कबूल कर लेते हैं इसके प्रोग्राम पर अमल शुरू कर देते हैं तो हमें बिनाई वापस मिल जाएगी हम आँखों वाले हो जाएंगे और ये बात भी अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दी है कि अगर दुनिया में आके किसी भी इंसान ने अल्लाह ताला की तरफ से जो रोशनी आती है इसे इसके लिए जो नूर आता है अगर इसने इसको कबूल कर लिया तो ये बुना हो जाएगा लेकिन अगर देखें आज के लिए मजमून है हमारे लिए है मेरे लिए आपके लिए अगर किसी ने भी रोशनी देने वाले की बात को सुनी अनसुनी कर दिया उसको अहमियत न दी और उस प्रोग्राम को सच न समझा जो अल्लाह ताला की तरफ से इसके पास पेश हुआ है जो कि कुरान है और उसव रसूल है इसको सच न समझा और देखें आज के ज़माने में किसी भी हक के पहुंचाने वाले की हक को इसने झुटला दिया अमली तौर पर तो अब क्या होगा ये आंखें नहीं हासिल कर सकता इसकी बिनाई ये अंधा रहेगा और ये भी अल्लाह ताला ने मैं आपको कह रहा हूँ कुरान में लिख दिया है कि मन का नफ़ी हाजी ही आमा वह वह फिल आखिरत आमा वह अजल सबीला जो यहाँ पे अंधा रहा वो वहाँ भी अंधा रहेगा जिसने यहाँ हक़ को न देखा जिसने अपने आँखों का इलाज न किया रोशनी न ली क़ुरान की और सुनत रसूल की तो वो यहाँ अंधा रहेगा आज देख लें बिला तमसील मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या क़ुरान का जो नूर है वो हमने सीने में बसा लिया है नबी का जो तरीक़ा है क्या वो हमने अपना लिया है नो इसका जवाब नफ़ी में है आप तो चुप हैं मैं कह रहा हूँ आपकी तरफ़ से कि नहीं हमने वो तरीक़ा ना अपनाया है न हमें उस पर यकीन है देखिए बहुत से लोग क़ुरान को इस दीन इस्लाम को इस वक्त मैं ख़ुद अपने कानों से सुनता हूँ वो कहते हैं ये नाकबिल है मुश्किल है नहीं हो सकता और आप देख लें ऐसे दानश्वर आपको मिल जाएंगे जो नई नई तशरीहत कर रहे हैं दीन की नई नई बातें बना रहे हैं अपनी तरफ़ से बगैर अल्लाह की हिदायत के तो ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं पढ़े लिखे जाहिल मौजूद हैं और बड़ी बड़ी आँखें हैं लेकिन दिल के अंधे हैं वो ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाए बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि हमेशा से ये दुनिया के लोगों का एक वतीरा रहा है कि जब आँखों वाला आता है इनके पास रोशनी देने के लिए ये इससे नित नए मतालबा शुरू करते हैं जो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते भई तुम्हारे पास रोशनी नहीं है मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ तुम अपना इलाज कर लो ये ये हदायत हैं इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो तुम्हें रोशनी मिल जाएगी पैगम्बर की दावत का खुलासा और क्या है नूरुम वन वाला नूरामबीना मैंने तुम्हारी तरफ नूर रोशनी नाजिल कर दी है फलजी आमनु आमन भी नूर अल्लजी उनज लमा तो जिस लोगों ने यकीन कर लिया और उस नूर को कबूल कर लिया जो उसके साथ नाजिल हुआ है पैगंबर के साथ तो ये लोग कामयाब है औलाए का हमफली हूं तो देखें बेवकूफ़ ना बने आप हम सब अंधे हैं और आपको मुझे आपको हम सबको ज़रूरत है क़ुरान की रोशनी की कुरान एक नूर है नबी की जात भी एक नूर है रोशनी है देखिए रोशनी क्या मतलब वो हमें रास्ता दिखाता है जो चीज़ भी यानी या नबी की जो तालीम है उसमें रोशनी है उसमें अंधेरा थोड़ी है ये बाजात में वो इख्लाफाती जो बातें कि नबी नूर है कि बशर है इसमें पड़ जाते हैं लोग बजाय इसकी कि उस नूर को कबूल कर लें हम हम इख्तलाफात में पड़ जाते हैं बहर तो वक़ूल लजीन कफ़रू लौला उन जिला आए तुम मब्ब इस पर कोई निशानी क्यों नहीं आई जो हम चाह रहे हैं या जो भी है देखें मतलब निशानी को आज के ज़माने में हम तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है अपने नबी की तालीम पे ना उसको कबूल करने के लिए तैयार है ये मिल बिल्कुल वाज तौर पे आपको कह रहा हूँ हम कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं करते आप मुझे बताएं दोबारा मैं आपसे पूछ रहा कि क्या आप अपने आप को अंधा महसूस करते हैं मुझे आपका जवाब सुनाई दे रहे आप कहते हैं नहीं हम तो आँखें वाले हैं हर शख्स अपने आप को आज अल्लामा समझता है ख्वा के वो घर में बैठी भी एक खातून ख़ाना है या उसका मियाँ है या एक रेडी वाला है या एक वज़ी अजम है वजीर है सदर है आर्मी चीफ है ये सब कहते हैं हम आँखों वाले हमें ज़रूरत नहीं है आज का ये माशरा मुसलमान माशरा पुकार पुकार के कह रहा है कि हमें हिदायत की कोई जरूरत नहीं है। आज आपके नसाब तालीम में कुरान नहीं है कोई हद है कोई इंतहा है कोई बेगैरती की इंतहा है कुरान से आप लोगों ने मुंह मोड़ लिया है कुरान की तो हम कतान कोई अहमियत एह, एह, हमारे दिल में तो नहीं है कम अज कम मुझे मालूम है मैं इस बात की गवाही देता हूँ। क्या अहमियत है ताली नाजरा पढ़ लो अपने बच्चों को पढ़ा दो बस फिर किताब बंद करके रख दो देखिए ये हमारा जो ज़हनी मायार है वो क्या है बस क़ुरान नाजरा ज़्यादा से ज़्यादा लानी होगी अपने बच्चों को कोई अपने बच्चों को लानी सिखा देता है बस बात ख़त्म हो जाती है कोई अपने बच्चों को हाफिज़ बना देता है फिर बात ख़त्म हो जाती है तो ये देखें ऐसा नहीं है ये जो आज अच्छा इसमें एक थोड़ी सी तवज्जो की बात है कि काफिरों की बात नकल तो हुई है लेकिन वो इतनी लुचर है इतनी बेबुनियाद है इतनी वाहियात है ये मुतालबा कि अल्लाह ताला उस पर तवज्जो ही नहीं देता इसका जवाब ही नहीं देता वह यकूल लसीन कफ़रू लौला आलै आए तो मरबी बस एक एतराज है लोगों का आज आप हम देखें हम तो सिरे से नबी की बात कुरान की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है मैं आज की बात कर रहा हूँ छोड़ें उस उस दौर को छोड़ दें आज दौर जाहिलियत है हम लोग आज जाहिल हैं जाहल मुतलक जिसे कहते हैं बने हुए तो अल्लाह ताला ऐसे मुतालबों का जवाब नहीं देता फरमाता क्या इनम अंत मुंजिर, बोले कुल्ले कौमिन हाथ आपकी हैसियत है नबी तो एक डर सुनाने वाले की है एक खबरदार करने वाली की मुंजिर, इंजार खबरदार करने वाला एक मिसाल के तौर पे एक आदमी जा रहा है एक सड़क पे आगे सड़क जो है टूटी हुई है या बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया है तो पाँच किलोमीटर इधर जो ट्रैफिक आ रही है उसको वहाँ से आने वाला उस गड़े को देख के ख़बरदार करता है कि आगे मत जाओ रास्ता बंद है वापस मोड़ लो गाड़ियाँ ये रास्ता आगे बंद है सड़क टूट गई है रास्ता ख़त्म है तो ये हैसियत है हम सब लोग चल रहे हैं सामने कराम दुनिया के रास्ते पर हमारी मंजिल दुनिया है हमारा इरादा दुनिया का है हमारी कोशिशें दुनिया के लिए हैं हमें महबूब भी दुनिया है हमारा मकसूद भी दुनिया है महबूब भी दुनिया है और मतलूब भी दुनिया है तो ऐसे जो लोग हैं आज के ज़माने में भी, भी उस वक्त पैगंबर आज पैगंबर के जो उम्मती हैं जो सच्चे लोग हैं वो लोगों को डराते हैं खबरदार करते हैं कि लोगों तुम जिस रास्ते पर चल ले हो, इसका अंजाम आग है गड़ा है दो का जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को दो साल के बाद जब यह आयात नाजिल हुई कि व अंजर आशीरतकल अखरबीन कि आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को डराइए तो उन्होंने फिर पहाड़ पर चढ़ के लोगों को कहा कि भाई तुम्हारे आमाल के नतीजे में तुम सब लोग नुकसान में जाने वाले हो नाकामी के गड़े में गिरने वाले हो एक इलाज है अल्लाह की फ़कत अल्लाह की बंदगी करो एक अल्लाह के सामने सर झुका दो एक को मकसूद महबूब और मतलूब बना लो तुम कामयाब हो जाओगे। जाओगीफली कह दो कि ला अला तुम कामयाब हो जाओगे। तो रसूल की हैसियत तो इतनी है इसी तरह आज हर हक की हैसियत जो है बस यहाँ तक है नंतम वलकुल्ल कौमिन हाद और हर कौम के लिए एक रहनुमा होता है एक रास्ता दिखाने वाला होता है हाद का मतलब हिदायत एक रहनुमाई होती है हर कौम के लिए रहनुमाई। देखें रहनुमाई क्या है कि वो तरीका जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे, तो पैगंबर आए हैं और उन्होंने लोगों को जन्नत की तरफ रहनुमाई की है और दो के अंजाम से डराया है लोगों को और उसका इलाज भी बताए और उसका तरीका भी बताए दवाई भी दी है परहेज भी बताए तो बहरहाल वले कुल कौमिल हाथ तो देखें ये आयत जो है मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आयत जो है ये हमारे लिए है आज के लिए है हम लोग देखें आज कल बहाने बना रहे दीन पर हम समझ नहीं बुनियादी तौर पे बात यह है कि दीन को हम समझना ही नहीं चाहते और दीन से समझे बगैर इस दुनिया से हम लोग गुजरना चाहते हैं आप देख लें क्या तलब है आप में दीन को समझने की दीन की हकीकत को पाने की कुरान की जरूरत क्या आया हम कुछ महसूस कर रहे हैं इस वक्त नौ no. हमें कुरान की कोई जरूरत नहीं है हम भटके हुए हैं जबकि हम अपने आप को हिदायत पर समझते हैं आप देख लें आम तौर पे जो जो इलीट तबका है पढ़ा लख का तबका है या जो भी है जिस हैसियत में भी है माँ है सो कानू हम में से जो भी है और जहाँ भी है वो अपने आप को समझता है कि हम राह रास्त पर हैं। वही सबून अन नहम लेकिन एक बहुत बड़ा धोखा है जो हम अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं इस धोखे से मैं आपको कह रहा हूँ कि निकलने की ज़रूरत है पैगंबर की बात सच्ची है अल्लाह ताला सच है ये दुनिया एक आरजी पड़ाव है और इसका एक बहुत बड़ा मकसद है ये दरअसल एक इम्तहान है इम्तहान गाह में अगर आप बैठ कर इम्तिहान न दें और समझे नहीं तो क्या होगा मतलब एक पर्चा है मेडिकल का आखिरी वो है आखिरी लास्ट सेमेस्टर है मेडिकल का लास्ट इम्तहान है लेकिन एक बच्चे के जहन में उस ालब इम जो है चार साल उसने पढ़ा आखिर में आके थोड़ा सा वो जहनी तौर पे भटक गया अब उसे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ मैं हूँ कौन मैं इस कॉलेज में क्यों आया था ज़रा दिमाग की कोई पेय ढीला हो गया अब वो लड़के उसे समझा रहे हैं कि भाई देखो तुमने बड़े अच्छे नंबर लिए हैं चार साल तुमने मेहनत की है और तुम्हारी कारकरी अच्छी है तुम ऐसा करो कि तुम वक्त मत ज़ाय किया करो फजूलियात में लेकिन उसकी ये बात समझ में नहीं आती म... नतीजत तन आ जाता है वो इम्तान में बैठ भी जाता है और उसको तो यानी अपने हकीकत का एहसास ही नहीं है कि भाई मैं मेडिकल का लास्ट यानी लास्ट फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैंने इम्तिहान देना है इसके बाद मैंने इम्तिहान ना दिया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा लेकिन कोई पेज ही उसका ढीला हो गया तो देखें हमारे पेज ढीले हो चुके हैं इस वक्त आप मुझे बताएं कि क्या आप अपने आप को अरस इम्तहान में समझते हैं हम तो भटक गए हैं हम तो गुमराह हो गए और गुमराही को हमने हिदायत समझ लिया आप देख लें कामयाबी का मैार आपके यहाँ क्या है बहरअल मैं ग़ौर की दावत देता हूँ तिलावत करता हूँ हूज़बिल्लै तो रहीम

क्यों नाजिल ना हुई इस पर कोई आयत कोई निशानी रब की तरफ से इन नमा तम आप तो महज ख़बरदार कर देने वाले हैं भले कुल्ले क़ोन हाद और हर कौम के लिए एक रहनुमा होता है अल्लाह की तरफ से अबिनायत की तलावत और तो तर्जुमा اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا مانتاو ما الله کی شیطان بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ويقول الذين كفروا لولا और काफी लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नाजिल नहीं हुई सो ए मोहम्मद सल असलम तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहन हुआ करता है इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त अख्ताम को पहुँचा अगले दर्स में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी وسلم वरम वक् على حبيبك خير الخلق كلهم